हेलमेट पहन के निकल रहे हैं क्योंकि हो गया था ले। काश मैं आप लोगों को व्लॉग में खुशबू सुंगा पाता। तुमने छोड़ दिया कंधे पे? क्या कावड़े है क्या? आज कावड़े नहीं है तो इतने सारी थोड़ा दूध है, सबको सुकून मिल गया भाई देख के। खाना है वो नमेगी, चाय की चुस्की गर्म कर। घर से उतर दे, कबाब लेने आ गया। अगर थोड़ा लेटा तो नहीं मिलता कबाब। पहुंचे सुबह उठ चुकी है भाई गाइस। आज का सफर शुरू हो रहा है बाइक से। अब बाइक से शुरू होकर चलेगा कार पे। आ गया अपनी पार्किंग में और ये बेचारी गाड़ी खड़ी अपनी। अब इसको लेते हैं और निकलते हैं। पहले बैठ जाते हैं, ड्राइव करते फिर बताते हैं कि जा कहाँ है। सीन अब ऐसा हो गया कि कार में भी बैठ के ड्राइव भी कर रहे हैं ये देखो, और बाइक में हेलमेट डालना भूल गए। हेलमेट पहन के निकल रहे हैं क्योंकि हो गया था लेट। तो वापस जा रहे हैं, बाइक में डालेंगे हेलमेट और फिर करेंगे ड्राइव। यूट्यूब पे तो गाइस 2700 रुपये का डीजल आ गया और बाकी तो इसमें भी थोड़ा बहुत था। निकलते हैं, एक्चुअली मुंबई से स्मार्टेस्ट गाड़ी कुछ 300 किलोमीटर रिटर्न होगा, तो अब देखते हैं भाई। अब यहाँ से किलोमीटर भी जीरो कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान गनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MSG। भाई 92 बोलने के लिए बच्चे लोग है नहीं आसपास, तो सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि भाई गाइस मैं आज जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में मालशेज घाट। भाई अब बहुत दिन से कुछ टूर प्लान कर रहे थे, करेंगे फैमिली के साथ भी टूर। अभी जो नेक्स्ट टूर होने वाला है वो फैमिली के साथ में होने वाला है, उसमें बच्चे लोग वगैरह जाएंगे। अभी कैसे अब्बास की तबीयत ठीक नहीं, आपने लास्ट ब्लॉग में तो देखे ही होंगे, और फ्रेंड लोग अब थोड़ा सा प्लान बन गया, तो मैंने सोचा कि भाई चलो हो जाते हैं। तो निकल गए भाई, राइड वाइड स्टार्ट हो चुकी है हमारी मालशेज घाट मुंबई से। अब तो कुछ ठंडी जैसा मौसम हो रखा है भाई, बहुत अच्छा एकदम चील कर रहा है मौसम। यहाँ तो बहुत बारिश वारिश हो गई है, अब वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसा सीन और कैसा क्या मिलता है। टाइम हो चुका है 9:48। गाइस देखो आगे कहीं भी ट्रैफिक वगैरह तो बता नहीं रहा, एकदम स्मूथ रोड दिखा रहा है और 130 किलोमीटर है मालशेज घाट। 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है पहुँचने के लिए। फ्रेंड्स जब तक हम लोग ड्राइव कर लेते हैं तब तक आप रोड के सीनरी के सीनरी के मजे लो, चील करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फ्रेंड्स भाई ऑलमोस्ट घाट वगैरह पे चढ़ गए, थोड़ा सा रह गया, आधा चढ़ गए भाई। यहाँ मन बस एकदम करने लगा उतर जाओ, देख लो भाई सीनरी देखो। ये जो अभी हम लोग नीचे से देख रहे हैं ना, अब यहीं जाना है ऊपर। ये जो फॉग वगैरह देख रहे हैं इसी में चिल करेंगे, तो अब चला जाए एकदम फटाफट चला जाए भाई, अब तो सफर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं फाइनली कालू वाटरफॉल। अब बिना टाइम वेस्ट किए जैसे मैंने आपको यहाँ तक लाया वैसे आगे भी ले चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कालू वाटरफॉल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका चील हो रखा है भाई, ठंडा ठंडा मौसम है। अच्छा हो भाई मैंने ये थोड़ा सा गरम गरम कपड़े डाल दिए थे, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये तो मैं उतार दूंगा ये टी शर्ट पहन के, और अभी ये जो मैंने जीन्स वींस पहन रखी है जीन्स वगैरह उतार देता हूँ, ट्रैक पहन लेता हूँ, और ट्रैक पहनने के बाद में फिर वहाँ पे नहाएंगे फिर आगे यहाँ चेंज कर लेंगे। तो भाई फटाफट मैं जरा चेंज वेंज कर लेता हूँ। दिल की जो धड़कन है ना वो अभी कालू वाटरफॉल देखने के लिए धड़क रही है, तो फटाफट चलते हैं और उन धड़कनों को देते हैं उनके मज्जे। और भाई चेंज वेंज कर लिए भाई, तुम्हारे भाई ने अपना गेटअप वेटअप चेंज कर लिया, गाड़ी को यहीं पार्क कर दिया है। और गाड़ी की कैसे ना सीन के पार्किंग के लिए यहाँ पे कोई खास सुविधा है ही नहीं भाई, देखो सब ऐसे रस्तों पे छोड़ के चले गए अपनी अपनी गाड़ियाँ। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा, एक बॉटल पानी भी नहीं मिल रहा आपको। जो भी चाहिए वो बाहर से ले आना, या तो वाटरफॉल में पी लेना। तो आपको खाना पीना कुछ भी चाहिए तो बाहर से लाना, रेस्टोरेंट भी नहीं, होटल्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अगर स्टे करना है तो यहाँ के गांव के लोग अपना घर देते हैं रहने के लिए, एक आध रात आप स्टे कर सकते हैं, और खाना भी बना के देते हैं। तो जो भी उनका चार्जेस होता होगा 1000 रुपये लेते हैं पर नाइट का, और खाने का जो भी लेते होंगे आप कितना खाते हो तो आप ही जानते हो, मुझे क्या मालूम, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ भाई। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? थोड़ा सा 1 किलोमीटर चलने के बाद ही देखो भाई वाटरफॉल देखते, दिल खुश हो गया भाई, दिल बाग बाग हो गया, हरा हरा हो गया भाई। कितना आगे जाना है? और आधा घंटा और जाना है भाई, यार कंधे पे छोड़ा यार। पहुंच जाएंगे, तुमने छोड़ दिया कंधे पे? हाँ। छोड़ेंगे, चलो फिर यार बिठा दो यार। मैं इधर आके तुम्हारी मैगी वैगी बना देता हूँ, तुम जाके नहा के आ जाओ मेरे बदले में। अरे भाई साहब अब सीन ऐसा हो गया कि भाई पता चला कि कार पार्किंग से कालू वाटरफॉल 3 किलोमीटर चल के जाना है भाई, ऐसे कच्चे रोड के ऊपर। भाई इस बार मैंने अपना एक्शन कैमरा वगैरह भी ले लिया है, इससे मस्त एकदम पानी वानी की शूटिंग वूटिंग करेंगे, जरा दिखाएंगे आपको भी, खुद भी देखेंगे भाई, चील करेंगे। थार वार ले लें, जरा जीप ले लें, तो क्या ऐसे सब कच्चे सड़कों के ऊपर आपका भाई गाड़ी को दौड़ाते हुए ले आएगा? अब देखो इनोवा थी, इनोवा भी काफ़ी आगे तक आ गई, बाकी सब गाड़ियों तो आ नहीं पाती भाई, इतना आगे तक ले आके मैंने खड़ी कर दिया, मगर मुझसे भी आगे देखो भाई थार आगे खड़ी भाई देखो।
भाई देखो ये दिल भी एकदम है ना भाई जलता है यार, ये थार अपने को भी चाहिए यार, ये शूटिंग है यार, तो भाई दुआ हुआ करो भाई, ये थार चाहिए अपने को भाई। आज क्या कावड़े है क्या? आज कावड़े नहीं है तो इतने सारे कहाँ से आए तुम लोग? अच्छा संडे मनाने आई हो छमिया। वाटरफॉल में नहाते नहाते दूध भी मिल जाता भाई, दूध है क्या? थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध है। नहीं भाई बिना दूध वाली भाई सब। मेरा दिमाग खराब मत कर भाई। गाइस देखो सबने अपनी बाइक शाइक ऐसी खड़ी करके चले गए, यहाँ पर लाइन से खड़ी भाई, देखो बाइक ही बाइक खड़ी है। तो गाइस थोड़ा सा कुछ इस तरीके का भी कच्ची मट्टी वाला रोड है भाई, ये देखो इस पे थोड़ा चल वल के जाना है भाई। अच्छा हुआ मैंने अपने ये वाले शूज पहनाया था बारिश वाले, तो इस पे मैं आराम से जा रहा हूँ। बाकी सारों के तो जूते फंस गए, चप्पल फंस गई कीचड़ के अंदर। एक छोटा सा वाटरफॉल आ रखा है भाई, ये पता नहीं वाटरफॉल है या ऊपर से कोई मुतरा है। बड़े हरामी हो बेटा। ओ भाई पसीने में जिंदगी नहाई भाई, देखो 2-2.5 किलोमीटर चल लिया, पता नहीं कितना चल लिया, ऐसे पहाड़ी रस्तों के ऊपर पत्थर पत्थर पत्थर। और अभी भाई देखो चल चल के भाई देखो वो वाटरफॉल दिख रहा है आपको, वहाँ तक जाना है। रास्ता आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ भाई, देखो यहाँ से ऐसा चल के जाना है, वो जो वो मट्टी दिखती होगी आपको, वो देखो भाई ये मट्टी दिख रही, चल के ऐसा वो वाटरफॉल तक जाना है भाई। तो भाई गाइस अब एक दिल तो कह रहा है कि भाई छोड़ दो इधर से, इसको सलामी दे दो, लेकिन दूसरा दिल कह रहा है कि भाई जब आप इतना 4 घंटे का सफ़र करके आओ तो फिर थोड़ा बहुत तो पानी बनता है, तो फिर चलो चलना जमता है हमारे को, निकलो भागो दौड़ो फटाफट निकलो। इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद एक छोटा सा वाटरफॉल मिल गया जिसमें नहा नहीं सकते, देख सकते हैं आंखों को ठंडक, दिल को कलेजे को सब कुछ सुकून मिल गया भाई देख के। अब चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा और ऊपर है वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स शायद आपको कैमरे में दिखे या ना दिखे, मगर वो देखो वो वहाँ पर हो रखा है, नज़दीक से दिखाता हूँ। अरे वो देखो भाई नीचे गिरने के वापस ऊपर जा रहा पानी, देख रहे हो वो देखो ऊपर जा रहा है। क्या अल्लाह की शान है भाई, देखो ये पानी ऊपर जा रहा है वापस नीचे नहीं गिर रहा है। और भाई देखो ये यहाँ पर ये इतना सारा ढेर सारा पानी नीचे गिर रखा है देख रहे हो, और ये बह के इधर आ रहा है। तो गाइस सेकंड व्यू ये मिला भाई, ये सब दिख रहा है थोड़ा सा हरा हरा भाई, ये बहुत डीप है, जिसको तैरना था वही जा रहा है यहाँ पे। हाँ तो भाई फ्रेंड्स फाइनली 1 घंटा चढ़ के भाई हालत हो गई ख़राब। अब और ऊपर जा सकता हूँ मैं, लेकिन सीन ऐसा हो गया कि भाई शाम का बज गया 4 और नीचे भी निकलना है क्योंकि अंधेरा हो जाता है, लाइट वेट है नहीं, और ये हाईवे जो है वो काफ़ी रिस्की है। तो भाई अब ये देखो इतना ऊपर और जाना है, बैक कैंसिल किया भाई। वो देखो ये सारे लोग जा रहे हैं देखो चढ़ के, अब ये चढ़ के पूरा ऊपर जाना है भाई। गाइज ऊपर जाते 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 तो फ्रेंड्स अब मैंने तो ये फैसला किया कि मैं लाइव नहीं देखने वाला हूँ, इतना ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, रिटर्न चले जाते हैं। हाँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को लाइव दिखाने की किसी तरीके से, मेरे पास है एक शॉट ऊपर का, वो आपको दिखाता हूँ लाइव, और आपको पता चलेगा कि होता क्या ये कालू वाटरफॉल, वो देखिए। मार के तो मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा हो गया, और जैसे डुबकी मारा भाई देखो भाई वेदर ही चेंज हो गया, फुल फॉक्स वगैरह रखा भाई देखो फुल। हाँ हाँ बहुत ठंडा पानी था गाइस, और बच गया मैं तो भाई, वो अचानक से पैर फिसल गया, उसमें बहुत डीप है, डीप की तरफ चला गया, तो अच्छा भाई बंदा था उसे खींच के निकाल दिया, वरना आपका भाई आग तो सो जाता पानी में और मिलता पता नहीं कब। जूतों में पूरा पानी भर गया भाई देखो साहब भाई। गाइस आ गया गाड़ी के पास। हाँ जाने में तो बहुत गर्मी और मील लग गई थी, बहुत थकान और प्यास वास सब लग गई थी, जो कि वाटरफॉल में वहाँ पे मैंने डुबकी मारा तो पानी भी पी लिया भाई, वो ऊपर से किसी ने कहा सी और सूख गया वो तो पता नहीं, मैंने पी लिया भाई, बेहतर पानी तो पाक होता है इसलिए सोच के पी लिया।
इस मेरे साथ में जो दोस्त है, मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत बार कि भाई तुम बोलते हो फ्रेंड से है कहाँ, तुम तो अकेले दिख रहे हो ब्लॉग में। तो भाई मैं बता दूं कि ये जो दो दोस्त मेरे साथ में हैं, हम तीन लोग हैं, तो इन दोनों का ऐसा सीन है कि फोटो वीडियो बनाते नहीं। इनका मानना है कि फोटो और वीडियो लेना हराम है, जो कि है मतलब इस्लाम में ये सब चीज़ें हराम है। लेकिन ये पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले रील होती थी, फोटो होता था, आपके पास हार्ड कॉपी आती थी। अब ऐसा कुछ सीन है ही नहीं भाई। आप जो मोबाइल अब यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होती है, वो छोटी सी चिप होती है। उस चिप को आप पूरी तोड़ दोगे ना, तब भी उसमें से कोई फोटो या वीडियो नहीं निकलने वाली। तो फिर भाई ये जो सीन होता है, वो एक अक्स बनाने पर, एक इमेज हार्ड कॉपी आने पर, तो हार्ड कॉपी तो इसमें है ही नहीं। तो काफ़ी सारे उलमा इकराम में जो देवबंदी हो, वहाबी हो, सुन्नी हो, सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि भाई अब कोई ऐसा सीन है नहीं। तो मैं उनको भी मानता हूँ, इनको भी मानता हूँ, फोटो लो मत लो भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं लेता हूँ, लेता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं दोनों भी मानने वालों को सपोर्ट करता हूँ। जैसे तैसे भाई थक थका के भीग भगा के आ गए, अब वो देखो अब फाइनली आपको लेके चलता हूँ उस फॉग की वादियों में। चले चलो। देखो मेरी फेवरेट कार मेरे आगे चल रही थार भाई, देखो दौड़ाते हुए जा रहा है भाई, क्या जिंदगी मजे उसके यार, क्या मजे भाई, जाने दो से आगे ऊपर, और क्या फॉग रखा है वो देखो। वे गाइस, कालू वाटरफॉल तो मुंबई से 130 किलोमीटर था, अब ये मार्शेस घाट एग्जैक्टली देखो 145.6 किलोमीटर है। हाँ भाई, पूरे मार्शेस घाट में खाने पीने को कुछ नहीं, पीने को पानी है और चाय है या तो फिर मैगी है, खाना कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कुछ भी नहीं है इधर। आपको खाना घर से लेके आना है अगर यहाँ पे खाना है, वरना मैगी 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 मैगी। चाय की चुस्की गरम गरम, मजा नहीं लाइफ। हाँ सो फ्रेंड्स, देख रहे हो मेरे पीछे मजा नहीं लाइफ, क्या कहते हो? ये प्रॉपर जो है ना मालशेज घाट है, जो वो जो नीचे कालू वाटरफॉल था ना, उसके 20 किलोमीटर ऊपर चढ़ोगे तब ये आपको मिल जाना है फॉग शॉक। भाई साल के 6 महीने यहाँ ऐसी फॉग होता है, बारिश में और बारिश के बाद ठंडियों में, फिर वो 6 महीना हो या तो फिर और 2-4 महीना हो, मगर ऐसी मजानी लाइफ होती है गाइज। वैसे भी पहाड़ों पे आने में बड़ा सुकून मिलता है फ्रेंड्स, मुझे मेरी मम्मी के गोद के अलावा अगर कहीं सुकून मिलता है ना तो इन पहाड़ों पे। भाई यहाँ की जो खुशबू है ना, मट्टी की खुशबू, यहाँ की जो ग्रीनरी, भाई देखो यो देख रहे हो ये सारी ग्रीनरी, और यहाँ की हवा, और यहाँ की एकदम नेचर नेचर खुशबू, यहाँ की चील, कौवे, परिंदे, चरिंदे, उनकी आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, हाँ ये खुशबू, काश मैं आप लोगों को व्लॉग में खुशबू सुंगा पाता। यहाँ की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी खुशबू, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चेहरे पे हल्की हल्की बूंद आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। पहाड़ों में आया करो, बहुत अच्छा लगता है। आपकी जितनी भी लाइफ के जो स्ट्रेस होते हैं ना, जितने भी फैमिली के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, जिसके भी, वो यहाँ पर आने के बाद में सारे के सारे दूर हो जाते हैं और आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो भाई, अपनी दुनिया में जाके प्रेजेंट होने के लिए एकदम रिफ्रेश हो जाते हो, आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो। तो यहाँ पर आया करो, पहाड़ों में बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड, बहुत मज़ा आता है। क्या आप भी मेरी तरह नेचर लवर हो? तो फिर देरी मत करो, वो देखो। वादियाँ, ये हवाएं, ये ग्रीनरी, ये फॉग और ये सारी प्यारी प्यारी सी खुशबू, ठंडी ठंडी हवाएं, इनकी तो जितनी बात करो उतनी कम है, इनकी जितने मज़े लो उतने कम है गाइस। इसमें तो ज़िंदगी गुजर जाए लेकिन इसके मज़े ख़त्म ना हो। तो ये सब तो यूँ ही चलता रहेगा और खुशियाँ और प्यार मोहब्बत यूँ ही मिलता रहेगा। लेकिन इस ब्लॉग को कर देते हैं अब यहीं पर एंड। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी थोड़ा भी अच्छा भी कुछ भी लगाओ, बुरा भी लगाओ, तो भाई मैसेज ठोक देना और लाइक और सब्सक्राइब दिल से कर देना, वो जो लाल बटन है वो दबा देना, ठीक है? तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।